नमस्कार 22 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 22 का महासमर में बताएंगे कैसे धर्म और विकास की ओर बढ़ रही है सियासत, कैसे धार्मिक मुद्दों को सियासी कॉरिडोर से साधा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। आपको बताएंगे बीजेपी अपने संकल्प को लेकर किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन बात सबसे पहले राम दरबार में पहुंचे सरकार की। तो काशी के बाद अयोध्या, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ अयोध्या के भ्रमण पर हैं। संस्कृत के इस टूरिज्म के सियासी संकेत भी इसे मानी जा रहा है। बीजेपी की नजर 22 के महासमर पर है। चुनावी चर्चा को विकास और धर्म की रणनीति के जरिए साध कर कैसे बीजेपी बड़ा संदेश दे रही है। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अयोध्या यात्रा पर संदेश देखिए इस रिपोर्ट में। काशी की कर्म भूमि से पीएम मोदी ने धर्म का चक्रव्यूह रचा। इस चक्रव्यूह का पहला दरवाजा विकास की पगडंडी बना तो दूसरा दरवाजा धर्म की सियासत को साधने की रणनीति। काशी में पीएम मोदी ने अपना काम कर दिया, बाकी का टास्क बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए छोड़ दिया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद राम के दरबार पहुंचे। काशी में पहले तमाम मुख्यमंत्रियों का मेला लगा और अब ये सभी मुख्यमंत्री अयोध्या आए हैं। कोशिश यही है कि अयोध्या के विकास की, अयोध्या के आध्यात्म की जो तस्वीर है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तस्वीर है, वो पूरे देश तक पहुंचे और पूरा देश देखे कि किस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और कैसे विकास की सरयू बहाई है। नहीं, इसके नाते सपना लग रहा था क्योंकि लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग राम को अस्तित्व को नकारते थे। अगर किसी ने जय श्री राम कर दिया तो यही हनुमानगढ़ी से उसकी गिरफ्तारी हो जाती थी। हम लोग ऊपर भी 8-9 मुकदमे हैं, खाली जय श्री राम किसी ने कर दिया तो इतना परिवर्तन विपक्षियों में आ जाना, तो भाई पक्ष वाले तो स्वाभाविक है कि राम के लिए समर्पित ही हैं और एक साथ इतना मुख्यमंत्री। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जीत है, ये हिंदुस्तान की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है। ये पहली बार था कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ राम दरबार पहुंचे हों। राम दरबार पहुंचने वालों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव के साथ बिहार और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। तमाम मेहमानों का सीएम योगी ने स्वागत किया। रामलला के दर्शन के लिए हम आए हैं, लेकिन जिसकी जैसी सोच वैसी बोल। जय श्री राम। संख्या में तमाम मुख्यमंत्री सर यहां पर पधारे हैं, सर क्या कहेंगे? जय श्री राम कहेंगे बस। ये बहुत ही एक संयोग का विषय, सारे देश भर के 11 मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं और आज प्रभु रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। जय श्री राम। हमारे जो भारत के कल्चर है उसको डेवलपमेंट के साथ साथ आर्थिक रूप से यूपी का उन्नयन है, वो यूपी के हर जगह में दिख रहा है। तो डेवलपमेंट कोई ना कोई शासक करता है, किंतु उसके साथ अपने विरासत को भी लेके जाना, चलना, ये यहाँ दिखता है। जोगी जी नहीं, जोगी जी का काम दिख रहा है यहाँ। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ अयोध्या में राम दरबार पहुंच रहे हैं। लेकिन अयोध्या में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के इस दौरे को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर निशाना साधा। आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी ने काम किया होता तो यहाँ पे 10-10 मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना पड़ता, नहीं घुमाना पड़ता। योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है कि असली मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने की बात कर रही है, लेकिन जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। बीजेपी की रणनीति धर्म और विकास की राह पर सुशासन के प्रबंधन को जनता के सामने रखना है। मकसद ये भी माना जा रहा कि विकास और धर्म के गठबंधन से विपक्ष के तमाम दूसरे मुद्दे को धराशायी किया जाए।
बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब होती भी दिख रही है। ऐसे में 22 का महासमर ही बताएगा धर्म चक्र की रणनीति कितनी कामयाब रही। 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव खुद यूपी का है और यूपी में बीजेपी का एक बड़ा स्टेक दांव पर लगा हुआ है क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, यहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं और विधानसभा की सीटें तो सबसे ज्यादा है ही। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर एक बार फिर से वो यूपी को फतह कर सकती है। वीडियो इंसेफलेशन के साथ अनिल यादव, न्यूज टेड अयोध्या। मुख्यमंत्रियों का ये अचानक अयोध्या के दौरे के लिए निकलना और फिर अयोध्या में धार्मिक दर्शन करना, क्या ये महज वही संकेत है जिन्हें बीजेपी बता रही है या फिर इसके पीछे रणनीति कुछ और भी है? 22 के महासमर को साधने के लिए क्या बीजेपी की इस रणनीति के पीछे सियासी वजह और कैसे अपने वोटर तक बीजेपी बड़ा संदेश दे रही है? काशी के बाद 11 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्रियों को बीजेपी अयोध्या अनायास और अकस्मात ही नहीं लाई है। इसका धार्मिक महत्व है तो उसके साथ ही राजनीतिक महत्व भी है। पीएम मोदी और बीजेपी की रणनीति साफ, 2022 में यूपी जीतने के लिए पीएम बेहद सक्रिय हो गए। इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि एक महीने में पीएम मोदी ने यूपी के 8 दौरे किए, पूरे प्रदेश को योजनाओं और सौगातों से नवाजा है, प्रदेश के कोने कोने को चुनाव से पहले मत दिया है। ऐसे में वाराणसी और अयोध्या में सांस्कृतिक समागम की भी बड़ी वजह है क्योंकि अयोध्या अब धर्म का एक बड़ा सेंटर बन के उभरा है। जिस तरह से यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी बताना चाहती है, संदेश देना चाहती है पूरे देश में कि उसने जो प्रॉमिस किया था राम मंदिर को लेकर, उसको उस प्रॉमिस को पूरा किया है। और अयोध्या में जिस तरह से बीते 4 सालों में काम हुआ है तो बीजेपी उस काम को भी पूरे देश को दिखाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बीजेपी की रणनीति को जिस तरह से जमीन दिखाई है, साफ विकास और धर्म की रणनीति के आगे विपक्षी खेमे में रणनीतिकारों में भी परेशानी बढ़ गई। ऐसे में विपक्षी खेमे से बीजेपी की धर्म वाली सियासत पर निशाना भी साधा जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये एक क्षण है रीमा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री इस वक्त महर्षि सदा फलदेव पीएम मोदी के यूपी दौरे से विपक्षी खेमे में हड़कंप की वजह वो तमाम पहलू हैं जिनको लेकर बीजेपी सक्रिय रही। फिर चाहे बात विकास परियोजना, धार्मिक आयोजन, किसानी और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की ही क्यों ना हो, हर पहलू से बीजेपी ने वोटर को जोड़ने की रणनीति पर काम किया है। देखा जाए तो इससे पहले ऐसी तस्वीर कभी अयोध्या में देखने को नहीं मिली थी क्योंकि आमतौर पर जो राजनीतिक दल के नेता थे वो कतराते थे यहाँ पर आने से, अयोध्या में आने से, क्योंकि एक ऐसा विवाद था कि उस विवाद की वजह से कहीं ना कहीं जो नेता होते थे उनको लगता था कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब अयोध्या की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। खेती, किसानी, सिंचाई, खाद, एक्सप्रेस, रक्षा से जुड़ी लेकर तमाम परियोजनाओं को पूरा कर बीजेपी ने संदेश दे दिया कि विकास के लिए वो प्रतिबद्ध है। हाल ही में दिव्य भव्य काशी की परिकल्पना और अब अयोध्या के जरिए संकल्प सिद्धि से बीजेपी वोटर को धर्म की धुरी पर उतारने की रणनीति में लगी है। सवाल ये उठता है कि इस सांस्कृतिक समागम के लिए बनारस और अयोध्या को ही क्यों चुना गया? वजह बिल्कुल साफ है कि बनारस ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बल्कि बनारस वो शहर है जिससे निकला हुआ मैसेज ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे देश में एक गहरा असर छोड़ता है। बात अयोध्या नगरी की करें तो ये हर कोई जानता है कि भारतीय राजनीति में भाजपा को स्थापित करने में अयोध्या ने एक बड़ी भूमिका निभाई। शायद यही वजह है कि इस सांस्कृतिक समागम के लिए इन दोनों शहरों को भारतीय जनता पार्टी ने चुना। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक हर उस रणनीति पर काम हो रहा है जिसके जरिए वोटर को साधा जा सके। ऐसे में बीजेपी अपने संकल्प पत्र को जनता के सुझावों पर तैयार करने जा रही है। सीएम योगी ने इसको लेकर एक अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 के महासमर से पहले बीजेपी को जनता से जोड़ने वाले संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले चुनावों में बीजेपी जनता के सुझाव पर अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। सुझाव आपका, संकल्प हमारा, अभियान के जरिए बीजेपी की ओर से लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा 2017 का हर एक संकल्प पूरा किया गया। हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका,
संकल्प हमारा इस भाव के साथ आए हैं तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों आतंकियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, आज माफिया पर कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाता है जो समय के साथ ही कई किनारे लग जाता है, वहीं भाजपा का संकल्प पत्र लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए होता है। उन्होंने कहा कि फर्क साफ है, वह इस बात को लेकर कि पहले की सरकारें किसानों पर गोलियां चलाती थी। 2017 के पहले हर नियुक्ति विवादित होती थी क्योंकि एक खानदान निकल पड़ता था वसूली के लिए, महाभारत के सभी रिश्ते सामने आ जाते थे, कहीं काका वसूली कर रहा है, कहीं चाचा वसूली कर रहा है, कहीं भांजा, कहीं भतीजा, ये सभी वसूली में निकल पड़ते थे। प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। बीजेपी की माने तो सरकार अगले 5 साल में यूपी को अग्रणी राज्य बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेशवासियों से उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और सुझाव मांग रही है। आकांक्षा पेटी के जरिए समाज के सभी वर्गों से सुझाव लिए जाएंगे। लोगों के सुझाव जुटाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा की तमाम सीटों पर जाएंगे। संकल्प समिति प्रदेश के महानगरों में संवाद करेगी। विभिन्न सामाजिक और व्यवसायिक संगठनों से संवाद किया जाएगा। वेबसाइट, ईमेल और मिस्ड कॉल के माध्यम से भी लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। इन्हीं सुझावों के आधार पर बीजेपी 2022 का संकल्प पत्र तैयार करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि एक कोशिश लोगों के बीच जाकर मुद्दों को जानने की है तो दूसरी तरफ पार्टी की नीतियों का डोर टू डोर प्रचार भी माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्यधाम का भूमि पूजन किया। सैन्यधाम के लिए शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी जुटाई गई है। सरकार ने इसे उत्तराखंड का 5वां धाम नाम दिया है। गुनियाल गांव में बन रहे सैन्यधाम के मुख्य द्वार का नाम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। उत्तराखंड में अब 5 धाम। सीएम पुष्कर धामी की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में रखी सैन्य धाम की नींव। प्रदेश के हजारों शहीद सैनिकों के परिवार बने गवाह। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने सीडीएस जनरल रावत को नमन करते हुए कहा कि ये धाम युवाओं को प्रेरणा देगा। ये सैन्य धाम हमारे रणबांकुरों को एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है बल्कि वह स्थान है जहाँ देश भर के असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए स्थान प्रेरित करेगा। सीएम धामी ने कहा कि मैं सैनिक परिवार से हूँ, इसीलिए उनका दर्द और तकलीफों को बेहतर तरीके से समझता हूँ। सैन्य परिवार से आने के कारण ऐसे परिवारों का संघर्ष, उनके दुख दर्द को बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूँ। इस मौके पर सीएम धामी ने पिछली सरकारों को भी आड़े हाथ लिया। सीमा पर खड़े हुए जवान को किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है बल्कि गोली आती है तो गोली का जवाब गोली से जवाब देने का काम होता है। वहीं रक्षा मंत्री ने इस मौके पर शहीदों को नमन किया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सैनिकों के साथ है। मैंने तो अपने सेना प्रमुख को भी 2 शब्दों में उस समय जब तनाव की स्थिति थी उस समय भी कह दिया था, जो भी आपको लगे फैसला लेना है वो फैसले लेने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यदि अन्याय में कोई गलत फैसला भी हो जाएगा तब भी यह सरकार अपनी सेना के जवानों के साथ खड़ी रहेगी। सैन्य धाम में उत्तराखंड और यहाँ के वीरों की शौर्य गाथाओं की झांकी होगी। शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी से यहाँ अमर जवान ज्योति तैयार होगी। ये तांबे में ये छोटे छोटे कलश देख रहे हैं जो फूल से लदे हुए हैं, ये 1734 परिवारों के शहीदों के परिवारों की मिट्टी लाई गई, उनके आंगन से मिट्टी लाई गई है और उनको यहाँ रखा गया है और ये तमाम मिट्टी सैन्य धाम बनाने में प्रयोग की जाएगी। सैनिकों की भूमि देवभूमि में पीएम मोदी की परिकल्पना पर इस सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ये धाम अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाए। हमारे सैनिक हैं उनकी शौर्य गाथा इसमें होगी, सभी जो वॉर लड़े गए हैं उनके शहीदों का पूरा विवरण यहाँ पर होगा, यानी जो भी बच्चे यहाँ पर जो भी पर्यटक आएंगे वो उत्तराखंड के
सैन्य इतिहास को समझ पाएंगे कि उत्तराखंड का योगदान देश में क्यों अलग है। बड़ी जल्दी सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।